हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आपका हमारे 7वें व्लॉग में। आप में से कई लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर अपनी शादी की कहानी बताइए। जी, हमने शादी की कहानी अपने टिकटॉक पर डाला था, 30 पार्ट में वहाँ वीडियो डाला था, लेकिन उस टाइम काफ़ी कम लोग हमारी इस परिवार से जुड़े थे, तो अब कई लोग जुड़ गए हैं। हमने सोचा कि फिर से एक वीडियो इसके ऊपर बना देते हैं। और उस टाइम तो शादी के लगभग 4 या 5 महीने ही हुए थे, तो मेमोरी एकदम फ्रेश था, अभी भी फ्रेश है। 1 साल होने वाले हैं शादी को हमारी। आज जो ब्लॉग शूट हो रहा है, तो आज डेट है 10 जून और 21 जून को हमारी एनिवर्सरी है, तो लगभग 1 साल होने चले हैं। देखते हैं कितना कुछ याद रहता है हमें, जितना कुछ भी याद होगा आपको बताएंगे। और यह वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए और एक पार्ट में पॉसिबल भी नहीं हो, तो देखते हैं कितने पार्ट में ये बनता है। और हम आ गए हैं किचन और जी आपने काम पर लगी हुई है। काले दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया काले दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, रिंग लाइट ले आते हैं, सही बोले ना, फिर उसके बाद गोरे दिख जाएंगे। व्लॉग को शूट करने के लिए आ गए हैं सबसे ऊपर वाले कमरे पर। बात है कि गर्मी ही हाँ जबरदस्त, पूछो मत। पीछे यहाँ खिड़की खुला है तो हवा भी आ रहा है, हवा का भी मजा ले रहे हैं, साथ में शादी की कहानी भी बताएंगे, तो शुरुआत करते हैं। तो जी, शादी की कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से कि मुझे शादी का बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल भी मैं तैयार नहीं था, मुझको अपने मैच्योरिटी लेवल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि मैं शादी करने के लिए तैयार हो गया हूँ, मेरी शादी होनी चाहिए। तो लेकिन मम्मी पापा लगातार कहे जा रहे थे कि आपको शादी कर लो कर लो कर लो। आपको ऐसा लग रहा था कि लड़की भी ऐसी ही मिलेगी जैसे आप हो? कभी नहीं सोचे थे, किस्मत पे जो लिखा रहता है वही होता, क्या करें। तो जोड़ी अच्छी बनी ना? हाँ, जोड़ी अच्छी बन गया, बोलना तो पड़ेगा ही कैमरा के सामने। नहीं जी, बहुत अच्छी जोड़ी है, इसको भी मजाक मत लेना, अपने सीरियस बोल रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ। समझ सकती हूँ, यस। चलो फिर शुरू करते हैं। फिर हुआ ये कि पेरेंट्स का लगातार कॉल आ रहा था, पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा दोनों साथ मिलके बोल रहे थे, लेकिन कॉल सिर्फ मम्मी का आ रहा है मेरे पास, क्योंकि मेरी मम्मी से ही ज़्यादा बातचीत होती है। फिर वो कह रहे थे कि शादी कर लो कर लो, तो लगभग 2-2.5 साल तक तो मैंने कहा कि नहीं, अभी हम तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। तब एक बार हमने कह दिया कि चलो देख लो तुम, पेरेंट्स की खुशी के लिए तो क्या नहीं करता था। फिर हम सोचे थे क्या कि टाइम लगेगा, कुछ तो टाइम लगेगा, इतना जल्दी होने वाला है नहीं, रिश्ता ढूंढते ढूंढते, क्योंकि जितने भी बड़े भाई है चाचा इन सबका शादी लग ही जाता है, सबका देखे थे तो सब में लग जाता है समय अच्छा खासा। हमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, हमको तो जरा सा भी नहीं लग रहा था इतना जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हम मतलब इतना जल्दी कैसे हो सकता है शादी, स्पेशली लड़की की शादी ठीक होने में कम से कम 1-2 साल लग जाता है, उसके पापा की तो चप्पल टूट जाती है लड़का ढूंढते ढूंढते। क्या पता था कि एक बार में एक लड़का को ढूंढो वहाँ फिक्स हो जाएगा। ये थी जिया की दर्द भरी कहानी। दर्द भरी नहीं है, पहले थी दर्द भरी। अच्छा, फिर मेरी माँ एक बार बोलती है कि सोनू कुछ रिश्ते वाले आ रहे हैं, उसमें से एक रिश्ता पसंद आ रहा है, हम लोगों को लग रहा है अच्छा परिवार है। तो हम बड़ा सुन के आश्चर्य कि अरे इतना जल्दी कैसे हो गया ये सब चीज़, अभी तो लंबा चौड़ा चल रहा था। फिर हम कहें कि चलो कोई बात नहीं, ये मतलब सब कुछ बातचीत होते हुए मिलते जुलते लग जाएगा अच्छा खासा टाइम, तो हम बेफिक्र थे। अब फिर क्या मम्मी क्या करती है कि तुम जो अपना बायोडाटा बना करके भेजो कि लड़की वालों को भेजेंगे, तो बायोडाटा हम बना दिए अपना, मन तो था नहीं बनाने का, फिर भी हम बना दिए, या हम सर्च किए थे क्या गूगल पर कि मैरिज बायोडाटा करके, तो वहाँ से करके हम अपना बनाए, फिर बायोडाटा इसलिए इतना तगड़ा वाला बना के भेजे थे। तो ये बायोडाटा की कहानी बताएगी, इसके पास जब पहुँचा था। हाँ, बायोडाटा मेरे पास पहुँच गया। हाँ डैडी, उस साइड देखना। ठीक है, क्या हुआ कि नंबर जब मांगा गया था तो उस टाइम व्हाट्सएप का नंबर बोले कि कोई व्हाट्सएप का नंबर दो, उस पर ना सेंड होगा, क्या कि अपना नंबर दे दिए व्हाट्सएप नंबर। अच्छा, और उस पर मेरे पाया बायोडाटा, हम क्या कि फटाक से देख के डिलीट कर दी, क्योंकि इतना भारी भरकम इन्होंने बना के बायोडाटा भेजा था कि देख के ही लग रहा था अब मेरा जाने वाला है, शहीद हो जाऊंगी मैं। एक जैसा मुझे चाहिए, मतलब मुझे नहीं मेरी फैमिली को चाहिए थी, सब कुछ वैसा ही था। फिर क्या हुआ कि हम तो नाम उम देख लिए थे, फिर मैंने फेसबुक पे सर्च किया, क्योंकि मुझे लगा कि सबको ही आजकल फेसबुक पे होता है। फेसबुक पे सर्च किया, कुछ नहीं मिला मुझे, क्योंकि इतनी प्राइवेसी थी कि एक प्रोफाइल फोटो मिला मुझे। उसके बाद मैंने इनको ट्विटर पे सर्च किया, ट्विटर पे देख के मैं हैरान रह गई, क्योंकि इनको ब्लू टिक है ट्विटर पे। मैंने सोचा जिसको ब्लू टिक मिलेगा उसका तो गूगल में फोटो रहेगा,
फिर गूगल पे मुझे 5 फोटो मिले इनके और कुछ वीडियोस भी, मतलब एक फोटो अच्छा लगा इनका बस, और नहीं तो एक दो वो टेकलू टेकलू वाला था बहुत बढ़िया। अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ? मम्मी फिर एक दिन अचानक कॉल करती है कि सुनो लड़की वाले जो है तुमको देखने आएंगे कुछ, तो तुम तैयार व्यार सब रहना वहाँ पर, अच्छे से बातचीत करना। उसको जरा सा भी ढंग नहीं था कि कैसे क्या बात करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जैसे शुरू में क्या आपको मैच्योरिटी था ही नहीं किस तरह से क्या सब कुछ। वो अभी भी नहीं है। अच्छा अभी भी नहीं है। हाँ, आगे बोलो आप। हाँ जी, फिर आ गया वो दिन जिस दिन लड़की वाली देखने आ रही थी। लड़की वाले उनके जिया के घर वाले थे, इनके थे चाचा थे ना तुम्हारे वो, हाँ तो इनके चाचा जी आ गए देखने के लिए। और उससे पहले हमने क्या किया था, पूरा इंतजाम कर रखा था। सिंगल लड़के कैसे रहते हैं आप लोग को मालूम होगा ही, जो भी बैचलर सब होते हैं। हमने पूरे घर की साफ़ सफाई करवा दी, वैसे हमने एक मेड रखा था तो वह आंटी जी पूरा साफ़ सफाई कर देती थी, लेकिन कई बार ना वो अच्छे से नहीं करती थी ज़्यादातर टाइम, तो कोना सब ये सब छोड़ देना। उस दिन हमने कहा कि नहीं आपको पूरा साफ करना है, ढंग से अच्छे से साफ सफाई कर दो जी, थोड़ा रिश्ते वाले आ रहे हैं तो लाज बचा लेना मेरा। और मेरे भाई ने भी पूरा खाने का सबसे जितना हो सकता है उसने अपने तरीके से सारा इंतजाम कर लिया। और मेरा क्या था ना उस टाइम काम मेरा था कि घर बैठे भी मेरा काम हो जाता, सेटअप लगा हुआ था जो मेरे ऑफिस का ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसका मतलब जो भी था कारभार सब मेरे ही अंदर था, तो मुझे वहाँ जाना नहीं पड़ता था। जब भी कोई सीनियर आने वाला रहता था हम ऑफिस चले जाते थे, लेकिन जिस दिन इनके आने वाले थे अंकल, उस दिन हम क्या किए कि हम कहे कि नहीं ऑफिस चले जाएंगे, क्या पता ये गलत वे में ले ले कि ये घर में बैठा रहता है इस तरह करके। तो हम उस दिन ऑफिस चले गए और अपने भाई को कह दिए कि सुनो जब वो आएंगे तब हमको कॉल करना हम आ जाएंगे। हम इस तरह से गए एकदम, और उस दिन ऑफिस भी हम जाते थे एकदम फॉर्मल ड्रेस, मतलब कैजुअल में जाते थे पूरा, लेकिन उस दिन एकदम फॉर्मल ड्रेस में एकदम अच्छे से बन ठन के गए। क्या हो कैसे क्या देखे? देखे। तो उस दिन हम बन ठन के गए पूरा। फिर इसके चाचा जी आए, इनके साथ साथ और भी इनके दोस्त आए थे वो, तो मेरा दोस्त मेरा भाई अपना बातचीत कर, मेरा भाई बातचीत करने में बड़ा आगे है एकदम बहुत एक्सपर्ट तो खूब बातचीत किया, लेकिन वो भी थे शिक्षक, तो शिक्षक भी बड़ा खोद खोद के सवाल पूछते ही हैं। फिर वो आगे कि लड़का करता क्या है, तो उसने कहा डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत लोगों को नहीं आता है समझ में। अब तो लगता है कि लोग बहुत सारे एजुकेटेड हो गए हैं, मतलब बहुत सारे लोग अवेयर हो चुके डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, लेकिन लगता है कि उस समय उतना नहीं था। होता क्या डिजिटल मार्केटिंग में आपका जो काम है उनको समझ आ गया था, लेकिन उनमें मतलब बहुत सारा वो रहता है ना, तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि आप किस में काम करते हो, ये वो समझ नहीं आ रहा था उनको। हाँ जी, तो फिर क्या हुआ, तो मेरे भाई से मेरे प्रोफेशन के बारे में हंसने लगे वो, तो मेरा भाई उस पर लगा के उस टाइम आप नहीं आए थे क्या? उस टाइम हम नहीं थे, हम ऑफिस में ही थे। पहले मोनू वहाँ 20 मिनट के करीब बात किया, फिर उसके बात करने के बाद जब वो मेरे प्रोफेशन पर पूरा खोद खोद के सवाल पूछने लगे वो, तब हमको फोन करता है सोनू ऐसा करो वो सब आ गए हैं तो तुम आ जाओ। हम भी कहे कि ओ भाई अब आ गया है वो मोमेंट, जैसे हमको ऐसे लिटरली हमको ऐसे लग रहा था जैसे IAS का कोई इंटरव्यू देने जा रहा हूँ या किसी जॉब का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। हम भी एकदम थोड़ा आईना सब देख लिए, बाथरूम के बाल बाल भिंगा लिए, थोड़ा आईना में चेहरा देख करके फिर हम गए वहाँ पर, तो जाके एकदम प्रणाम वर्णाम किए, तो वो भी आशीर्वाद सब दिए। फिर उसके बाद कहते हैं कि आपका नाम क्या है, ये जो सवाल किया आपका नाम क्या है, हमको बड़ा अजीब लगा यार, बायोडाटा में थी आपको बायोडाटा में मेरा नाम नहीं दिखा, और कुछ देर पहले मोनू था उससे भी तो बातचीत हुआ ही होगा। फिर भी हम कहे कि चलो कोई बात नहीं, मास्टर जी है तो अपने तरीके से पूछेंगे वो। फिर वो पूछे, फिर कहते कहते आप काम क्या करते हैं, ये भी हमको अजीब लगा सवाल कि ये भी हम बायोडाटा में लिखे हुए हैं। तब हम के डिजिटल मार्केटिंग, तो भी जरा इस फील्ड के बारे में बताइएगा वो सब चीज़। तो भाई साहब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में A से लेकर Z तक इतना डिटेल में हमको बताना पड़ा सब कुछ, क्यों नहीं? अरे भाई तो IAS का एग्जाम थोड़े है वो, IAS का एग्जाम से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपनी बेटी किसी और के हाथ में दे देना। अच्छा, लाइफ टाइम दे देते हैं, ऐसे ही किसी के हाथ में दे देंगे। अच्छा ठीक है, चलो हो गया भाषणबाजी, अब आगे शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है शादी के बाद। शादी के बाद क्या, शादी से पहले भी बोलते ही बात तो हम बोलते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया, सबकी बेटी वैसी ही होती है। अच्छा खासा उन्होंने मेरा क्लास लिया, जितना उनको तसल्ली हो सकता था अपना तसल्ली कर लिया, और फिर उसके बाद हमको लगा कि लग नहीं रहा है क्या शादी होने वाला है, हमको लग रहा था कुछ डाउट है इनको कि इसको इस फील्ड के बारे में जानकारी है नहीं, तो लगता नहीं कि शादी होगा ये सब यहाँ पर।
लेकिन वो जाते समय एक बार जब वो निकल रहे थे ना घर से, तो एक बात वो बोले थे कि जी भगवान ने चाह तो फिर हम दोबारा जरूर मिलेंगे। तो ये बात मुझको अभी भी ध्यान है उसका। अच्छा, जब हमसे वो बातचीत करके चले गए यहाँ से, तो फिर क्या हुआ तुम्हारे साइड? वहाँ से निकले जो फोन मिलाना जो स्टार्ट किया उन्होंने तुम्हारे घर पे, उस टाइम नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा था, उस टाइम वोडाफोन का नेटवर्क था। अच्छा। बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन वो कॉल पे कॉल किए जा रहे पापा पे तो बात हुई। बोलते हैं बहुत ही अच्छा लड़का है, हमको तो बहुत ही अच्छा लगा, अब आगे आप लोग देखिए हमको जो जिस काम के लिए भेजे थे उसमें तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मतलब इतनी तारीफ कर रहे थे कि जैसे इनके अलावा कोई लड़का है नहीं इस धरती पे। आपको भी लगा होगा देख के मतलब कितने मुड़ियल हैं। तब क्या, लेकिन वो तारीफ कर रहे थे, हमको विश्वास नहीं हुआ। हमको जिस तरह का उनका एक्सप्रेशन सब था, हमको लग रहा था वो सेटिस्फाइड है नहीं हमसे। बहुत तारीफ कर रहे थे। फिर जब वो घर आए थे, उनकी मतलब घर आए ना, तब दिखा रहे थे हमको फोटो आपका। फोटो दिखाए लड़का है, मतलब हमको बताए जा रहे हैं क्या बोलेंगे अंकल हैं, वो भी बहुत डर लगता है। घर भी आ गए थे वो, घर आए थे, उनकी सिस्टर का शादी था। अच्छा, तो समझ सकते हो। मम्मी लोग तो इतनी खुश थी, सब कुछ। आगे बताओ, तो उस टाइम तुमको क्या लग रहा था? हमको तो मतलब देखो सब कुछ तो अच्छा है, लग ही रहा था, झूठ क्यों बोलूंगी, अच्छा लग रहा था। लेकिन शादी हो जाना, शादी हो जाना, हाँ पूरी जिंदगी फीलिंग समझ सकती है लड़कियाँ। अच्छा। हाँ, तो फिर भी मुझे लग रहा था कि अभी चलो यार बायोडाटा ही हुआ है, आगे भी टाइम और है, जरूरी नहीं है कि फिक्स ही हो जाएगा। लेकिन मेरे बाबा बोल रहे थे कि तुम चिंता मत करो, जब तक तुम नहीं बोलेगी तब तक शादी नहीं होगा। और हम अपने से जाके देखेंगे, फैमिली को लड़का ही ना देखेंगे, अभी फैमिली हो जाके देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मुझे सबको बहुत पसंद आ गया था। मेरे बाबा बस बोले लड़का लड़का के मतलब उस पर नहीं जाना है, अभी भी हमको विश्वास नहीं है, हम देखेंगे अपने से सब कुछ, जांच पड़ताल करेंगे तब होगा। तो एक बाबा पे भरोसा था हमको। फिर हो क्या गया? अच्छा अच्छा, उधर ये चला, इधर वो इंटरव्यू लेकर के चले गए अपना। फिर हम मम्मी से पूछे कि अच्छा क्या हुआ, अभी तक कोई कॉल वॉल आया कि नहीं उधर से? लगभग 20-25 दिन तक कोई कॉल ही नहीं आया था। और मेरा उस टाइम एग्जाम चल रहा था, हम सोचे यार इस सब में इतना टेंशन लेंगे, मेरा एग्जाम खराब हो जाएगा। फिर हम अपना सोचे अभी भी टाइम है, बाबा पे सबसे, बाबा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हमको भरोसा था बहुत ज़्यादा। एग्ज़ाम ख़त्म, एग्ज़ाम चल ही रहा था, तो अभी सब कोई अपने मन से जांच पड़ताल कर रहे थे। इधर मामा, मतलब माँ को जानते हैं मामा जी, तो वो अपने तरफ से पता लगा रहे हैं। उसका सबको इतना पता लगा रहा है कि अच्छे से हो जाएगा तब बात करेंगे अपनी फैमिली से। हमको लगा कि चलो अब तो सब शांत है माहौल, ये हमको क्या पता अंदर अंदर सब चल रहा है। और तो हमको बड़ा अजीब लगा कि अरे मतलब यहाँ पर बातचीत करके चले गए हैं सब कुछ लड़के से, और वहाँ पर कोई फोन नहीं आया है मेरे माँ बाप के पास। फिर तब हम लोग के इधर ऐसा, तब मम्मी भी थोड़ा नाराज भी थी इस बात से कि आखिर कॉल क्यों नहीं आया, तब लड़का से मिल लिया गया, ये सब ऐसा ऐसा करके सब कुछ तो हुआ। फिर अचानक से ये सब कुछ हो गया। फिर अचानक से कुछ दिनों बाद फिर कॉल आता है एक बार कि सुनो शायद कौन आए थे मिलने तुम लोगों की तरफ से? बुआ आई थी। तो वो आई और वो कह रही थी कि लड़का हमें पसंद है और बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारा, जो मिलकर आए थे वो भी तुम्हारा बहुत बड़ाई किए वहाँ पर। हम कहे बड़ाई किए, हमको तो विश्वास ही नहीं रहा तो बड़ाई किया होगा, क्योंकि ऐसा एक्सप्रेशन था उनका। सच में मास्टर जी को समझना बड़ा मुश्किल है। तो हुआ ये, तो हम कहे कि अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा क्या है फैसला ये सब चीज़? तो कहते हैं कि नहीं मतलब हम जो है पहले लड़की को देखेंगे, उसके बाद सब कुछ करेंगे। तो हम बोले कि अब ठीक है लड़की को देख लेना। तो फिर कहती है तो हमको पसंद आ जाएगी तो तुम कर लोगे ना? हम कहे हाँ ठीक है, तुमको पसंद आ जाएगी तो तुम कर लेना, लेकिन हमको भी एक बार ज़रूर दिखा देना लड़की को, क्योंकि मेरा ज़िंदगी का पूरा सवाल है ये थी। तब कहे कि हाँ ठीक है तुमको हम दिखा देंगे ऐसे करके। लेकिन हुआ था ठीक उसके उलट, वो आगे बताएंगे आपको। फिर क्या हुआ कि हमको सबको वहाँ पे, मेरा एग्जाम खत्म हो गया था, हम बहुत खुश थे। मेरे बाबा बोले थे तुमको फोन देंगे, एक न्यू फोन, क्योंकि एग्जाम से कुछ दिन पहले मम्मी गुस्सा की थी और हम फोन पटक लिए थे, मेरा फोन चूर चूर हो गया था। तो बाबा बोले थे तुम चिंता मत करो, एग्जाम जैसे खत्म होगा तुमको फोन देंगे।
हम खुश थे कि अब फोन मिलेगा। फिर क्या कहते हैं, मेरी फ्रेंड की भी शादी थी, मेरी फ्रेंड की सिस्टर की शादी थी, तो हम बहुत खुश थे, अपना ड्रेस व्रेस सब कुछ मैंने पूरा शॉपिंग कर लिया था। फिर क्या हुआ, जिस दिन शादी थी उस दिन मुझे बोला जा रहा है कि तुमको लड़के की फैमिली से मिलना है। सोचो, जिसके लिए इतनी शॉपिंग की, जिस शादी के लिए, उस शादी में हम नहीं जा सकते। हम इतना रोए इतना रोए, लेकिन सब कोई क्या कहता है, फैमिली के आगे झुक ही जाता है। फिर मुझे आना पड़ गया कटिहार बुआ के यहाँ। फिर आई थी माँ मुझसे मिलने के लिए। अच्छा, दीदी रेडी आई वहाँ पर। फिर क्या हुआ कि हम, मुझे बाबा पे भरोसा था कि बाबा बोले जब तक तुमको लड़का पसंद नहीं आएगा तब तक हम शादी नहीं करेंगे। फिर बाबा बोले हम अपने से देखेंगे, ये वो सब कोई अपने तरफ से बोल दिया कि हाँ अच्छा है। बाबा बोले नहीं, जब तक हम नहीं देखेंगे, हमको पसंद नहीं आएगा तो हम नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो। तब बाबा आए मिलने के लिए यहाँ पे दीदी डैडी से, मतलब आए 2 घंटे के बाद कॉल करते हैं कि जी हाँ मुझे बहुत पसंद है, अब तुम देखो हमको तो बहुत पसंद है। इतना उस दिन हम रोए थे, इतना उस दिन रोए थे, पूछो मत। फिर मेरी बुआ कहती है क्यों तुम रो रही है, क्या प्रॉब्लम है उस रिश्ते में, लड़का अच्छा नहीं है, अच्छा जॉब नहीं करता, उसकी फैमिली अच्छी नहीं है, या फिर तुमको लगता है कि पुराने जमाने वाली सोच वाली फैमिली है, क्यों नहीं तुमको पसंद है ये लड़का। हम बोले सब ठीक है, हम अभी शादी नहीं करना चाहते हैं। तो शादी होने के बाद क्या होता है, तुमको पढ़ाई के लिए मना किया जाएगा या फिर फैमिली अच्छी नहीं, क्या तुमको प्रॉब्लम। बोले ऐसा कुछ नहीं। फिर हमको समझाई कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जैसा जो करना चाहोगे सब कुछ मिलेगा तुमको उस फैमिली में, फिर शायद ऐसी फैमिली नहीं मिल पाए, या फिर तुमको कोई और पसंद है तो वो भी बता दो। बोले ऐसा कुछ नहीं है। फिर बोलती आगे ऐसा लड़का नहीं मिलेगा तब ये मेरी जिम्मेवारी नहीं होती है। तब मैंने, हम क्या बोल सकते, सबको पसंद आ गया। फिर मेरी माँ का एक दिन कॉल आता है, वह कहती है कि सुनो सोनू, लड़की वाले आए थे और वो कहे कि हमें लड़का पसंद है, तो आप लोग बताइए आगे का जो भी करना हो। हम कहे कि क्या हो गया इतना जल्दी ये सब सब कुछ। फिर हम कहे कि अच्छे सुनो, जल्दबाजी में कुछ भी मत करना, पहले लड़की को जाके पर्सनली जाके मिल लेना, उसके बाद देखना सब कुछ, और हम भी देखेंगे लड़की को। हम यहाँ से तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम दिल्ली में हैं, लेकिन हम वीडियो कॉल पर देख लेंगे, वीडियो कॉल मिला देना तुम जब तुम जाएगी लड़की से मिलने के लिए। तो मम्मी कहती है हाँ ठीक है वो हम कर देंगे। मैं बताती हूँ फिर क्या हुआ। फिर माँ और डैडी आ गए मुझसे मिलने के लिए। हम बहुत डर गए थे, बहुत ज़्यादा नर्वस थे कि क्या पूछेंगी नहीं पूछेंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पूछी हमसे नॉर्मली जो सवाल होता है पूछी, बहुत डर रहे थे। दीदी बोलती, माँ बोलती है आओ मेरे पास बैठो, बैठे फिर नॉर्मल जो बात होता है हुआ। फिर बोलती है मुझे लड़की बहुत अच्छी लगी। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आगे क्या होता है। आगे जो है माँ जो है कॉल करती है मुझको वीडियो कॉल पर। सबसे पहले मोनू को कॉल करती है, सुनो हम लड़की वाले की यहाँ है, तुम वीडियो कॉल करो उधर से। माँ को नहीं आता था वीडियो कॉल मिलाने, देखा। हम ही को बोलती है कि ये मोनू नंबर होगा, मोनू दिल्ली, इस पे कॉल लगाओ, वीडियो कॉल। हम लगाए, फिर बोलती है, फिर उनसे बात कर लेती है, फिर बोलती है आभा होगा उसको लगाओ फोन। तो हम सबको मिलाए, आभा मेरी मौसी है जी। तो फिर हम ही से बात करवाई जा रही है, हम परेशान थे कॉल से। उसके बाद मेरा देवर जी इतना क्वेश्चन किया मुझसे, इतना ज्यादा क्वेश्चन हुआ था, पूछो मत। फिर मेरा भाई इसे में बात किया और फिर उसके बाद कहता है लड़की तो अच्छी है तो तुम भी आओ वीडियो कॉल पर। हम बोले हम नहीं आएंगे, तुम लोग को जो देखना है देख लो। देखो भाई, मैंने बोल तो दिया था कि लड़की को वीडियो कॉल पर देखना है, कि जब देखने की बारी आई ना तो कहते फट के जाना। तो मैंने कहा नहीं नहीं मुझको नहीं देखना, दीदी डैडी को बोलो, वो सबको पसंद है तो हमको भी पसंद है, फिर क्या तो भी देख लो ये। फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ मोनू बोलता है कि अभी मैं बात करवाता हूँ आपसे। तो आप शायद एक टॉवल लेके ऐसे खड़े थे, फेस धोने जा रहे थे। हाँ जी, क्या बात। हम कहेंगे सुनो अभी हम वीडियो कॉल पर नहीं आएंगे, पहले हम अपना चेहरा धो लेते हैं फेस वॉश से अच्छा खासा, फिर उसके बाद जो है तुम दिखाना हमको। और वो पागल ऐसा दिखा रहा था, होता है रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ भाई कहाँ है। तो जा रहा है, आप बाथरूम फेस वॉश और आपका टॉवल आपके पास है, ऐसे फेस धो रहे हो, हम देख रहे हैं। ऐसा पागल मेरा भाई, बताइए हम वहाँ फेस वॉश करें, मेरा भाई लड़की को दिखा रहा है कि ये देखिए भैया फेस वॉश कर रहे हैं। चलो सिंपल सी भाभी बनने वाले हैं तो दिखा दिया। अब उस टाइम बनी नहीं थी। फिर मेरा भाई जो है फोन मेरी तरफ ला दिया,
और हमको देखने भी नहीं पड़ रहा, हम 13 ऐसे करके नहीं नहीं ऐसे नहीं, हम कैसे देख रहे थे? और मेरी मम्मी जो है इसके गाल पर हाथ रखे थे, कैसी लगी लड़की, कैसी लगी? हाँ माँ को कह रहे हैं, माँ कहे कि हाँ ठीक है ये सब यार, मतलब लड़की के चेहरे के सामने आपसे पूछा जाए कि कैसी लगी तो आप क्या बोलोगे उस समय? अच्छी लगी थी मैं, नहीं अच्छी अच्छी लगी थी, लेकिन फिर भी सामने में थोड़ा अकबर तो लगता है ना सब कुछ, गजब हाल है। तब हमको बोलती है मेरा बेटा कैसा लगा, कॉल में ही कैसा लगा बेटा, ठीक है ना? फिर हम इसको देखते हैं क्या, ठीक है ये अपना जान छुड़ा करके भागी वहाँ से वीडियो कॉल पर। तब माँ पूछती है कैसी लगी, हम कहे हाँ अच्छी लगी, सुनो करते हैं बाद में बात, हम रखे कॉल जी। अब आगे की कहानी जो है हम अगले पार्ट में बताएंगे, हम नहीं चाहते कि हमारी शादी की कुछ भी कहानी मिस हो जाए, हम चाह रहे हैं कि एक एक चीज़ जिस फेज से हम गुजरे हैं तो वो आप सबको दिखे, ताकि जो भी लोग अरेंज मैरिज करने वाले हैं या जिनकी भी लव मैरिज अरेंज मैरिज में कन्वर्ट होने वाली है और हमारे पूर्वांचल साइड से है, तो उनको क्या क्या चीज़ सब देखना पड़ेगा, तो आप लोग पहले से एक बार थोड़ा सा नहीं कहते हैं झलक देख लोगे उसका। तो बताइए आपको हमारी यह शादी की कहानी कैसी लगी, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और सब्सक्राइब करते वक्त यह चीज जरूर ध्यान रखें कि आप नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।